नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के हाउबाग स्टेशन रोड पर स्थित जायका रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते मौके पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि रेस्टोरेंट पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग रेस्टोरेंट में आग लगी। वहीं आग लगने लाखों रुपए का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वहीं आग लगने के कारण आसपास दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। सुबह 10 बजे सूचना मिली कि हाउबाग स्टेशन रोड में जायका रेस्टोरेंट है, वहां पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। तो तुरंत हम लोग ने दो अपने, एक फोम टेंडर, एक वाटर वाउचर और एक टैंकर, 3 हम लोगों ने तुरंत रवाना किए। आके देखा तो होटल में काफ़ी आग लगी हुई थी। होटल में क्या कहते हैं, वेंटिलेशन की जगह कम, इस कारण थोड़ी दिक्कत जा रही है, बाकी आग कंट्रोल में हो गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।